हरिश्चंद्र तारावती का होगा। और उस समय की बात कि आज वो तारा अपने बेटी रोहतास की लाश फूंकने के लिए शमशान में पहुंच जाती है। और उधर हरिश्चंद्र की ड्यूटी शमशान में लगी हुई थी। दोनों का आमना सामना हो जाता है। पूछने लगे कि ये कौन है, ये कौन है, आज तारा कुछ नहीं कह पाती। हरिश्चंद्र अपनी ड्यूटी पे तैनात है, क्योंकि वो एक भंगी के हैं, नौकरी करते थे और उन्होंने एक कल ले रखा था। तारा मजबूर थी, आज उससे एक कर मांगते हैं। किस प्रकार से दोनों की वार्तालाप हुई, हरिश्चंद्र की और तारा की, दोनों की वार्तालाप होती है, आइए सुनेंगे इस बात के माध्यम से। डर रही है, डर रही है। इस घाट पे मौका फूकने की इजाजत आज किसने दी? स्वामी, मैं आपकी पत्नी तारावती हूँ, और जो ये पुत्र है, ये आपका पुत्र है रोहताश। मैं किसी तारा को नहीं जानता और मैं किसी रोहताश को नहीं जानता। आज मेरा वक्त है, उस समय तेरा वक्त था। आज तुझे यहां चिता जलाने से पहले 125 कर का देना पड़ेगा। तो चिता जला सकती है, वरना नहीं जला सकती। स्वामी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मजबूरी नहीं, उस दिन मेरी मजबूरी थी जब मैंने आपके लिए घड़ा नहीं उठवाया था। आज मैं मजबूर हूँ। अच्छा, उस दिन तू मजबूर थी। अच्छा, तारा ये मेरा पुत्र रोहतास है, जबकि मैं इसे नहीं जानता। ये मेरा पुत्र रोहतास है, इसे मैं नहीं जानता, मैं तुझे जानता हूँ। विपत्ति की समय में तने मेरा घड़ा थवाने के लिए इनकार कर दिया तारा, और आज तुम मुझसे कहती कि तुम्हारा पुत्र रोहतास है और मैं तुम्हारी पत्नी तारा हूँ। मैं किसी तारा को नहीं जानता। मेरी बात सुनिएगा, कहिए। चोर क्यों जमावे पिया, सुराणी तेरी रानी मेरी बेशक है, सुराणी पर मैंने संबंध खत्म कर दिए रवि। उस दिन कर दिए कि जिस दिन मेरा घड़ा उठाने को इसने मना कर दिया, और पहले से कर ले पहले से। लेकिन मेरा भैया आएगा, मेरा भैया आएगा, जगदीश आएगा, ऊपर बैठ बैठ भैया नरेंद्र, चार्ज कर ले इसे। चार्ज करूं? ये तो चार दिए ना, ना मैं बताऊंगा, चल। पहले से
कहिए। अरे चोर क्यों जमावे पिया, गुरुजी कहाँ चले गए, गुरुजी आ जाओ। सुराणी तेरी भाजी भाई, आपको मत कहो कुछ भी। सुराणी तेरी मेरी बात सुन लीजिएगा। अरे चोर क्यों जमावे पिया, राणी तेरी मैं, राणी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, राणी तेरी मैं, राणी तेरी मैं। और घाट पे संबंध क्या सारी, घाट पे संबंध क्या सारी। आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है और आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा हाँ, और मेरी बात सुन लीजिएगा। तेरी नजर में भगती हूँ, तेरी नजर में भगती हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। तू कहती ना खड़ा ठप्पा, मिश्राणी सब संगी हूँ। समझ गई पिया नाम, समझ गई ना, हाड़ी तेरी मैं, हाड़ी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी। हाड़ी तेरी मैं, हाड़ी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे कहिए। मेरी बात सुन लीजिएगा स्वामी, और कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल कहिए। कि जो पति पत्नी होते हैं वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। आज मेरे जीवन में दुख है तो आप मेरा साथ देने से क्यों इनकार कर रहे हैं, कहिएगा। आज मैंने अच्छा एक समय वो था क्या कि मेरा आपत्ति का समय था। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, मेरा घड़ा उठाने के लिए मना कर दिया था। अच्छा, और आज तेरे सामने आपत्ति का समय है। अच्छा, ये तुझे मानना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, सुना दीजिए। और आदरणीय सम्मान श्री विजय सिंह अमीन साहब चकफेरी मुरादवासी हमारे बीच में हैं, जो आदरणीय बड़े भाई सुशील कुमार फौजी जी के समधी हैं, वो ससुर हैं, बसोरी ससुर हैं, कई हजार रुपए पहले और 101 रुपए से पार्टी का फिर सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद।
और देखिए गलती के लिए माफी, क्या बात। न्यू सोच पिया दुख बांटे रचा एक इतिहास तने सबर भैया। देखिए अपने भाइयों की सेवा करूंगा, अपने भाइयों की और सबर भैया कफन दे दे जब फूकर तू लास्ट तने सबर भैया कफन दे दे लात चिता में मत ना मारो काला थरो ताश तने पादा भी फूक दे दियो नाला ना थपास तने पादा भी फूक दे दियो नाला ना थपास तने। नफरत क्यों भरी से पिया नफरत क्यों भरी से पिया कहिए। आपने मुझे पहले कुछ गम नहीं दिया लेकिन आज आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तारा हाँ? आज मेरे साथ में कुछ परेशानियां हैं। अच्छा, मैंने अपना बेटा रोहतास हाँ? तेरे हवाले कर दिया। अच्छा, और एक समय वो था क्या कि तैने मेरा जल का घड़ा ठवाने के लिए इनकार कर दिया और आज तू मजबूर है और मैं मजबूर हूँ। मेरी बात सुनिए देवा। कहिए सुन, तुम्हारी सुन रही हूँ मैं। मैंने अपने बेटे को ठुकरा दिया। अच्छा, अपनी तारा पत्नी को ठुकरा दिया, सारे संसार को ठुकरा दिया। अच्छा, किस कारण? किस कारण? आप ही ने बना ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, इस जमाने को क्या हो गया, तो इस जमाने को क्या हो गया, किसी को जा वही बेवफा।
आदरणीय देखिए हमारे बीच में है भगवती टेंट हाउस बछराऊ से, इन्होंने बहुत रुपए पहले और 100 रुपए से पार्टी का फिर सम्मान किया है। इस रागनी पर खुश होकर 100 रुपए दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगा एक बार जोरदार ताली क्या बात है। कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ मैं, सुन लीजिएगा। कहिए मेरी बात सुनिएगा। कहिए बार बार मन धमका वे पिया दिल धरता न धीर मेरा इसमें साजा सीर मेरा जाके नत्य दूंगा के इसमें साजा सीर मेरा चराने में गले की कंठी एक रूपे में चीर मेरा और कर मर खटका ना छोटू सुन तारा बोली अखी कर मर खटका ना छोटू सुन तारा बोली अखी मेरा कैसे जलाओ गुलगी कैसे जलाओ गुलगी निशानी तेरी मैं निशानी तेरी और झाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं क्यों जमावे पिया सुरानी तेरी मैं जगदीश तुम ही मेरे मन तुम ही मेरी पूजा तुम ही मेरे मन मेरे तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता तुम ही देवता हो क्रोध में क्यों हो पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। आज कुछ सम्मान कर रही है ना मुझको कुछ ज्यादा लग रहा है और मेरे पास सुन लीजिएगा तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई ऐसे ही तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई खता बख्श दो कर खता हो गई हो हमारी इरादा तो कुछ भी न था हमारा इरादा तो कुछ भी न था तुम्हारी नजर कुछ
खटा बख्श दो कर खटा हो गई। और आदरणीय देखिए सुनो रवि, देखिए आदरणीय सम्मानित श्री खजान सिंह जी चक्कन वाला और विजय सिंह जी सेक्रेटरी साहब अमीन साहब चकफेरी मुरादाबाद, ये हमारे बीच में बहुत दूर रुपए पहले और 101 रुपए से पार्टी का फिर सम्मान करते हैं। चाहूंगा एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली, क्या बात है। मेरी बात सुनिएगा, कहिए जिंदगी इम्तिहान लेती है, हम मर गए की जान लेती है, इम्तिहान लेती है जिंदगी, इम्तिहान लेती कहिए तारा सुनेगा। नंगे सिर कर रह लूंगी पूरा अपना फर्ज निभाइए तू अच्छा उसी ढाला रही है तू कहानी पे रोए बहुत मत की झूठ।